नमस्कार दोस्तों, द वी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज्जा बेस, वो भी विदाउट ओवन। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहां मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, एक चम्मच ईस्ट, एक चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, दो चम्मच ऑयल, आधा कप गुनगुना पानी। सबसे पहले हम गुनगुने पानी में चीनी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए शुगर है जो अच्छे से पानी में घुल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ईस्ट, इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए ईस्ट है जो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसका डो बनाएंगे। ये देखिए मैदे में मैं ऐड करूंगा नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट है जो अच्छे से मिक्स हो गया है मैदे के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे गुलाबा ईस्ट और शुगर। अब हम अपने हाथों से इसको भून लेंगे, एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें ल्यूकवॉर्म वाटर, गुनगुना पानी। पानी जो है हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, लगभग एक चम्मच। अच्छे से नीट करेंगे इसको। ये देखिए डो रेडी है, एकदम सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे। कवर करेंगे कपड़े से। इसे हमें लगभग 35 से 40 मिनट यूं ही रख देना है। इसे हम हो सके तो किसी गर्म जगह पे रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो डो है अच्छे से फर्मेंट होगा और जल्दी होगा। चेक करते हैं डो। ये देखिए डो का जो साइज है वो डबल हो गया है। इसको हम बाउल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए डो को मैंने बाउल से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसकी एयर निकाल लेंगे, जो इसके अंदर हवा भरी हुई है वो बाहर निकाल लेंगे। इसको प्रेस करेंगे अपने हाथों से। ये देखिए अब हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसकी 4 इक्वल बॉल बना लेंगे। इस तरह से हम सभी बॉले बना लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे कपड़े से और 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे रोल करेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। आप चाहे तो इसे अपने हाथों से भी रोल कर सकते हैं या फिर रोलिंग पिन भी ले सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से मैंने इसको राउंड बेल लिया है। अब हम इसमें कांटे की मदद से होल करेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें सारे जो डो है रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने चारों बेस तैयार कर लिए हैं। इनको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर हम इसको गैस पे पकाएंगे। ये देखिए गैस पे मैंने तवा रख दिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। पहले हम इसे 5 मिनट गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पे। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और तवे पे डालेंगे हम पिज्जा बेस। इसको कवर करेंगे। छह सात मिनट ऐसे ही कुक होने देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए जो पिज्जा बेस है कितने से अच्छे से फूलते हुए आ रहा है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, कवर करेंगे, चेक करते हैं। ये देखिए पिज्जा बेस रेडी है। इसी तरह से हम सभी पिज्जा बेस रेडी कर लेंगे। ये देखिए सभी पिज्जा बेस हमने रेडी कर लिए हैं। पिज्जा बेस एकदम बाजार जैसे बना है, एकदम फूले हुए आया है। ये देखिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पिज्जा बेस की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको रेसिपी देखनी होगी वो वहां से देख सकते हैं। आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाता रहूंगा। देखते रहिए द वी किचन।